नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंशिका जारवाल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैली में गोलीबारी हुई है, जिसमें वह घायल हो गए हैं। वह स्थानीय समय के मुताबिक शनिवार यानी 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, तभी वहां गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पूर्व राष्ट्रपति घायल हुए हैं, उनके चेहरे पर खून लगा हुआ दिखाई दिया। उन्हें सेक्रेटरी ने तुरंत सुरक्षित स्टेज से उतारा। डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैली में हुई गोलीबारी के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रंप के कान के पास से खून निकलता हुआ दिखा जा सकता है। इस दौरान सेक्रेटरी सर्विस के जवान उन्हें स्टेज से सुरक्षित नीचे उतार रहे हैं। ट्रंप के प्रवक्ता ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने इस जघन्य हमले के दौरान तुरंत एक्शन लेने के लिए लॉ एनफोर्समेंट और सबसे पहले मदद करने वाले लोगों को धन्यवाद दिया है। वह ठीक है और स्थानीय मेडिकल फैसिलिटीज में उनकी जाँच की जा रही है। बटलर काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रिचर्ड ए. गोल्डिंगर ने बताया कि हमला करने वाले शख्स को ढेर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि चुनावी रैली में मौजूद एक शख्स की मौत हुई है और एक अन्य भी शायद मारा गया है। जिन अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई है, उनका कहना है कि गोलीबारी की घटना की संभाविता हत्या के प्रयास के हमले के तौर पर जांच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि जारी तौर पर सुरक्षा परिधि के बाहर से गोलियां चलाई गई है। अभी देखिए वायरल वीडियो, कमेंट्स बताएं अपने विचार।